नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ निधि सिंह। और अब खबर बॉलीवुड से। आखिर हमारे बॉलीवुड को क्या हो गया है? कोरोना काल से अब तक आप आंकड़े निकाल लें तो खुदकुशी करने वाले हमारे बॉलीवुड सितारे कितने हैं? आखिर हमारे बॉलीवुड को किसकी नज़र लग गई है? कहाँ गए वो चमकते हुए सितारे जो सिर्फ आसमान पर जाकर चमक रहे हैं, ज़मीन पर नहीं दिख रहे हैं? आज ऐसे ही एक बार फिर से बॉलीवुड के जगत में एक बड़ी दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है। बता दें चलिए कि जाने माने आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने मंगलवार की देर रात खुदकुशी कर ली। उन्होंने मुंबई के नज़दीक कर्जत में अपनी एंडी स्टूडियो में फांसी लगा ली। उनके मैनेजर ने बताया कि देसाई ने करीब 3 बजे आत्महत्या की है और उनकी उम्र 58 साल थी। वे अपना ज़्यादातर वक्त इसी स्टूडियो में बिताते थे। बताते चले कि नितिन ने हम दिल दे चुके सनम, लगान, देवाश, जोधा अकबर और प्रेम रतन धनपायु जैसी फिल्म के सेट डिज़ाइन किए थे। उन्हें 4 बार बेस्ट आर्ट डायरेक्शन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। आखिर बार उन्होंने पानीपत फिल्म के लिए काम किया था। बताते चले कि महाराष्ट्र के विधायक महेश वाल्दी ने बताया कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और उन्होंने कहा था कि उनकी आत्महत्या की वजह ये हो सकती है। नितिन देसाई बॉलीवुड के फेमस आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने कई बार भव्य और आलिशान सेट भी तैयार किया है जो कि आज भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों बने रहते हैं। आप जानते ही हैं प्रेम रतन धनपायु का जो सेट था आज भी लोगों के आँख में हटते ही नहीं, आँखों से वो दूर जाता ही नहीं है वो सारे सेट। उन्होंने बहुत सारे फिल्मों में काम किया, जैसे मैंने आपको बताया लगान, देवदास, जोधा अकबर, मिशन कश्मीर, हम दिल दे चुके सनम, स्वदेश, लगान, देवदास और इसी तरह की कई सारे फिल्मों का उन्होंने सेट बखूबी तैयार किया है। देसाई को एक नहीं 4 बार बेस्ट आर्ट डायरेक्शन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है। देसाई को साल 2000 में हम दिल दे चुके सनम और 2003 में देवदास के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक के राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जा चुका है। कर्जत के विधायक ने महेश वल्दी ने नितिन देसाई की मौत की वजह भी बताई है और उनकी मौत की वजह आर्थिक तंगी बताई है। एमएलए ने कहा कि नितिन देसाई मेरे विधानसभा के निवासी थे, वे कई दिनों से आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, शायद यही वजह है कि उन्होंने सुसाइड कर ली। अब आप देख सकते हैं कि बॉलीवुड के सितारे अगर आर्थिक तंगी से जूझ सकते हैं तो आम जन क्या कर सकता है। अगर इस तरह से बॉलीवुड को हमारी नज़र लगती है तो आज हम कितने सितारे खोए हैं वो तो अनगिनत ही हम बता सकते हैं। कोरोना काल से ही अब आंकड़े उठाकर देख ले तो हमारे बॉलीवुड के कई जाने माने दिग्गज अभिनेता, जो हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की भी, बहुत सारे ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है, जिन्होंने अपनी आत्मा को त्याग कर चले गए हैं। आखिर क्या वजह है, क्या हो गया है हमारे बॉलीवुड को कि लोग सुसाइड करने को मजबूर हो जाते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे बॉलीवुड को इस तरह की नज़रों से बचाएं और जो भी सितारे चमक रहे हैं आगे भी इसी तरह से चमके, हमारे बॉलीवुड को अच्छे से अच्छे फिल्म और लोगों को बहुत अच्छी सीख दें। अब फिलहाल रिपोर्ट यही तक थी। ऐसी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और अब दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।